हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 7 पेट्रो सेपियंस के बारे में। और सिंपल भाषा में बोलूं तो टॉप 7 फॉर्म्स ऑफ डायमंड हेड के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस लिस्ट में जो भी पेट्रो सेपियन जिस भी नंबर पर हैं वो मैंने अपनी अकॉर्डिंग रखे हैं, ना कि ये कोई ऑफिशियल लिस्ट है। तो अगर तुम भी इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। बट चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, एंड वीडियो के तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर देना। तो चलो यार, नंबर 7 से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं सब संभाल लूंगा। नहीं बेन, यही तो वो चाहता है। नंबर 7 पर जो एलियन हमारी इस लिस्ट में आता है उसका नाम है डायमंड मैटर। डायमंड मैटर बेंटन की ओरिजिनल सीरीज से बिलोंग करता है एंड ये ग्रे मैटर एंड डायमंड हेड का फ्यूजन है। डायमंड मैटर का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन क्लासिक के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 25 डॉक्टर एनिमो एंड द म्यूटेंट रेस वाले एपिसोड में हुआ था। डायमंड मैटर के पास डायमंड हेड के क्रिस्टल रिलेटेड अटैक्स हैं एंड इसके पास गैल्वन्स की इंटेलिजेंसी का भी वेपन है। पर इस एलियन के पास एक डिसएडवांटेज भी है जो कि है इसकी हाइट का। डायमंड मैटर को जहां पेट्रोसेपियन के क्रिस्टल रिलेटेड अटैक्स एंड गैल्वन्स की इंटेलिजेंसी स्ट्रॉन्ग बनाती है, वहीं इसकी हाइट इसे काफी ज्यादा वीक एलियन भी बनाती है। डायमंड मैटर के इसी डिसएडवांटेज एंड इसके अपेयरेंस काफी कम टाइम के लिए बेंटन के शो में हुआ था, इसी कारण से नंबर 7 पर डिजर्व करता है। नंबर 6, इस नंबर पर एक नहीं बल्कि दो पेट्रोसेपियंस आते हैं जो कि है डायमंड हेड फ्रॉम ग्वेन्स डिमेंशन एंड डायमंड हेड फ्रॉम मैडबेन्स डिमेंशन। ग्वेन का डायमंड हेड एंड मैडबेन का डायमंड हेड दोनों ही पेट्रोसेपियन स्पीसीज एंड पेट्रोपिया प्लेनेट से बिलोंग करते हैं। ग्वेन के डायमंड हेड का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की ओरिजिनल सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 17 ग्वेन 10 वाले एपिसोड में हुआ था। एंड मैडबेन के डायमंड हेड का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन ओमनिवर्स के सीजन 7 के एपिसोड नंबर 69 में हुआ था। इन दोनों डायमंड हेड के पास क्रिस्टल ऑकिनेसिस, क्रिस्टलाइन कंस्ट्रक्ट, क्रिस्टल शार्ट प्रोजेक्टाइल, शार्प बैक शार्ट्स, मेटामॉर्फिक आर्म्स, रीजनरेशन, वेपन मैनिफेस्टेशन, बॉडी अल्टरेशन, टाइम रेज इम्यूनिटी एंड और भी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज इन दोनों डायमंड हेड के पास हैं। एंड इन दोनों डायमंड हेड को एवॉल्व सोनोरोसियन यानी कि अल्टीमेट एक्वाएको के सोनिक डिस्क अटैक से डिफीट किया जा सकता है। अगर बात करें इनके लुक्स एंड अपीयरेंस की तो ग्वेन के डायमंड हेड के ओमिटिक्स का सिंबल एक कैट शेप में इसकी चेस्ट के साइड में लगा होता है एंड इसकी बैक या हेड पर कोई भी क्रिस्टल शार्ड नहीं होता। एंड मैडबेन का डायमंड हेड बिल्कुल बेन के डायमंड हेड जैसा ही दिखता है, बस इसके पास एक ऑरेंज कलर की बेल्ट, एक स्मॉल ऑरेंज क्रॉस ऑन चेस्ट एंड कुछ ऑरेंज बैंडेज इसके कुछ और बॉडी पार्ट्स पर लगे हुए होते हैं। वैसे तो ये दोनों डायमंड हेड काफी ज्यादा पावरफुल हैं, पर शो में इनका अपीयरेंस काफी कम टाइम के लिए हमें देखने को मिला था, जिसकी वजह से ये दोनों डायमंड हेड नंबर 6 पर डिजर्व करते हैं। नंबर 5, क्रिस्टल फिस्ट। क्रिस्टल फिस्ट केविन के एंटीट्रिक्स का एलियन है एंड ये म्यूटेंट सबसेपियन प्लस अननोन हाइब्रिड की स्पीशीज से बिलोंग करता है। इसकी बॉडी क्रिस्टलाइन ह्यूमनॉइड की है एंड इसका फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन रिबूट के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 19 में हुआ था। क्रिस्टल फिस्ट की बॉडी सिलिकॉन पर बेस्ड लाइफ फॉर्म है एंड इसकी बॉडी पर डार्क पर्पल कलर के क्रिस्टल्स हैं। इसकी आईज रेड कलर की हैं एंड इसके हेड पर एक शार्प पॉइंट एंड शोल्डर पर स्पाइक्स हैं और इसके एंटीट्रिक्स का सिंबल इसके चेस्ट पर लगा हुआ है। अगर बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो इसके पास भी क्रिस्टल ऑकिनेसिस, थॉर्न मैनिफेस्टेशन, वेपन मैनिफेस्टेशन, एनर्जी रिफ्लेक्शन, एनर्जी रिडायरेक्शन, एजिंग इम्यूनिटी, हीट रेजिस्टेंस, शार्प क्लॉस एंड और भी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। क्रिस्टल फिस्ट की ड्यूरेबिलिटी की एक लिमिट होती है एंड वैक्सोरियन इसे इजिली डिफीट कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमंगसोर की स्पीसीज क्रिस्टल फिस्ट को आराम से डिफीट कर सकती है। क्रिस्टल फिस्ट की इन्हीं सभी पावर्स एंड एबिलिटीज की वजह से ये इस लिस्ट में नंबर 5 पर डिजर्व करता है। नंबर 4, टेट्रैक्स। टेट्रैक्स पेट्रोसेपियन स्पीसीज एंड पेट्रोपिया प्लेनेट से बिलोंग करता है। इसका ऑक्यूपेशन ये है कि ये एक बाउंटी हंटर एंड ओमिटिक्स गार्डियन है। टेट्रैक्स का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की ओरिजिनल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 हंटेड में हुआ था। टेट्रैक्स का लुक्स एंड अपीयरेंस बिल्कुल डायमंड हेड जैसा ही है, बस ये एक शाइनी ग्रे सूट एंड ब्लैक कलर का हेलमेट पहनता है। टेट्रैक्स के पास एक पेट्रोसेपियन की पावर्स के साथ साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट के काफी अच्छे स्किल्स, एडवांस एलियन टेक नॉलेज एंड हाईली स्किल्ड स्ट्रेटजी भी है। एंड सच में टेट्रैक्स काफी ज्यादा पावरफुल एक पेट्रोसेपियन है। बेंटन के जिन जिन एपिसोड्स में टेट्रैक्स अपेयर हुआ है उन सभी एपिसोड्स में इसने गजब की फाइट की है। टेट्रैक्स की इंटेलिजेंसी भी काफी अच्छी है एंड
फाइट के टाइम टेट्रैक्स कुछ इक्विपमेंट्स का भी यूज करता है, जो कि है होवरबोर्ड, आर्मर, एनर्जी गन, सोनिक डिवाइस एंड स्मोक ग्रेनेड्स। टेट्रैक्स की फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड हैं एंड अपनी इन्हीं सही पावर्स एंड एबिलिटीज की वजह से टेट्रैक्स नंबर 4 पर इस लिस्ट में डिजर्व करता है। नंबर 3, डायमंड हेड। डायमंड हेड भी पेट्रोसेपियन स्पीसीज एंड पेट्रोपिया प्लैनेट से बिलोंग करता है। इसकी बॉडी क्रिस्टलाइन ह्यूमनॉइड की है एंड इसका फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की ओरिजिनल सीरीज के सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड एंड देन देयर वर 10 वाले एपिसोड में हुआ था। डायमंड हेड के पास क्रिस्टल ऑर्गेनाइजेस, क्रिस्टलाइन कंस्ट्रक्ट, क्रिस्टल शार्ट प्रोजेक्टाइल्स, शार्प बैक शार्ट्स, एसिड इम्यूनिटी, टाइम रेज इम्यूनिटी, हीट रेजिस्टेंस, मेटामॉर्फिक आर्म, वेपन मैनिफेस्टेशन, रीजनरेशन, बॉडी अल्ट्रेशन, एनर्जी रिफ्लेक्शन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, क्रिस्टल बोट सर्फिंग, एजिंग इम्यूनिटी एंड और भी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज बेन के डायमंड हेड के पास हैं। डायमंड हेड के रीजनरेशन की एक लिमिट होती है एंड डायमंड हेड को अल्टीमेट एको की सोनिक डिस्क एंड अल्टीमेट सोम फायर के फायर ब्लास्ट अटैक से डिफीट किया जा सकता है। अब इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि डायमंड हेड इस लिस्ट में नंबर 3 पर क्यों आता है। डायमंड हेड ने कई बार अपनी पावर से काफी पावरफुल विलन्स को डिफीट किया है एंड एक बार तो विलगैक्स को भी इतना बुरा मारा था कि मारते मारते उसकी आंख काली कर दी, जैसे कि विलगैक्स ने उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया। नंबर 2, ओमनीनेंस डायमंड हेड। ओमनीनेंस डायमंड हेड भी पेट्रोसेपियन स्पीसीज एंड पेट्रोपिया प्लैनेट से बिलोंग करता है। ओमनीनेंस डायमंड हेड का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 रिबूट के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 में हुआ था। ओमनीनेंस डायमंड हेड के पास एक फुल मिनी रॉक आर्मर होता है जो कि इसकी नॉर्मल पावर्स को काफी हद तक एनहांस्ड कर देता है। ओमनीनेंस डायमंड हेड के पास एनर्जी बैक स्पाइक्स, एनर्जी आर्म स्पाइक्स, वेपन मैनिफेस्टेशन, मेटामॉर्फिक आर्म्स, रीजनरेशन, बॉडी अल्ट्रेशन एंड और भी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज इसके पास होती हैं। ओमनीनेंस डायमंड हेड लेजर से सिमिलर वेपन्स भी इस फॉर्म में बना सकता है और अपनी इन्हीं सही पावर्स की वजह से ओमनीनेंस डायमंड हेड नंबर 2 पर है। इससे एडिट कुछ बताने को खास है नहीं क्योंकि इसकी सारी पावर्स इसकी नॉर्मल फॉर्म यानी कि डायमंड हेड जैसी ही है। बस इसके पास जो फुल मिनी रॉक आर्मर है वो इसकी पावर्स को इंक्रीज कर देता है, दैट्स व्हाई ये नंबर 2 पर डिजर्व करता है। तो फाइनली बात कर लेते हैं कि नंबर 1 पर कौन सा पेट्रोसेपियन डिजर्व करता है। अब देखो, मेरे को लगता है काफी लोगों को पता चल गया होगा कि नंबर 1 पर कौन सा पेट्रोसेपियन है, बट मैं भी बताऊंगा, तब तक तुम लोग कमेंट में गेस करके बताओ कि कौन है। तो चलो फाइनली बात कर लेते हैं कि नंबर 1 पर कौन सा पेट्रोसेपियन डिजर्व करता है। नंबर 1, ओमनीकिक्स डायमंड हेड। ओमनीकिक्स डायमंड हेड पेट्रोसेपियन स्पीसीज एंड पेट्रोपिया प्लैनेट से बिलोंग करता है एंड इसकी बॉडी आर्मर क्रिस्टलाइन ह्यूमनॉइड की है। ओमनीकिक्स डायमंड हेड का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 रिबूट के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 10 मर्ड ऑन द रन वाले एपिसोड में हुआ था। ओमनीकिक्स डायमंड हेड के पास वही सारी सेम पावर्स हैं जो कि सभी पेट्रोसेपियंस के पास नॉर्मली होती हैं। बस इसके पास जो ये ओमनीकिक्स आर्मर है वो इसे अपोनेंट के अटैक से बचाता है एंड फाइट करते टाइम डायमंड हेड को काफी कंफर्टेबल फील कराता है। ओमनीकिक्स डायमंड हेड के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इसके पास एक ड्यूरेबल, प्रोटेक्टेबल एंड कंफर्टेबल आर्मर है जो कि फाइट करते टाइम काफी ज्यादा एडवांटेज इसे देता है और इसीलिए नंबर 1 पर डिजर्व करता है। तो गाइज, आई होप आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। अगर नहीं भी पसंद आई तो मेरे को कमेंट में अपनी लिस्ट बता देना, क्योंकि मैंने कोई ऑफिशियल लिस्ट तो बताई नहीं है, बस जो मेरे को पावरफुल लगते गए मैं उन्हें उसी रॉ में रखता गया। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना और प्लीज़ अब सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी एक्टिव हो गया हूँ वापस से चैनल पर एंड डेली वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय एंड टेक केयर।